जिले में सरकारी भूमि पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। वहीं पटोरिया स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह ठाकुर ने लगभग 600 फुट कीमती जमीन पर कब्जा कर दो मंजिला मकान बना लिया है। दरअसल पटोरिया हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी जमीन को सुरक्षित करने के लिए बाकायदा बाउंड्री वॉल को भी बनाया गया है, लेकिन जमीनों खोरों ने बाउंड्री वॉल को तोड़कर पहले तो सरकारी भूमि पर कब्जा किया, उसके बाद दो मंजिला मकान भी बना लिया है। प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई, ना ही बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है और ना ही जमीन को सील किया गया है। अधिकारी मामले को जिला प्रशासन के पास होने की बात कह रहे हैं, उसके बाद ही उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। कल से 35 किलोमीटर के दूर पंडरिया विकास खंड और उसके जो है हॉस्पिटल के जो कैंपस के अंदर हम मौजूद हैं। बाकायदा कैंपस के अंदर जो है सरकारी मकान भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ लोग जो है जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो निवास करते हैं और बाकायदा अपने क्षेत्र को लेकर जो है हॉस्पिटल के द्वारा बाउंड्री वॉल भी किया गया है, लेकिन बाउंड्री वॉल के दायरे में आते हुए एक कब्जाधारी ने इस जमीन पर जो है कब्जा किया है और बाकायदा दो मंजिला जो है मकान बना लिया है, जिसकी शिकायत जो है यहाँ के हॉस्पिटल के जो बीएमओ है उन्होंने एसडीएम के पास शिकायत की है। उसके बाद भी यहाँ के एसडीएम भी कोई सुध नहीं ले रहा है और इस मामले को लेकर जो है यहाँ के जो कब्जाधारी है धर्मेंद्र नामक का जो व्यक्ति है उनसे हमने संपर्क किया है, बात करने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि मोबाइल से तो बात हुई है लेकिन जो कैमरे के सामने उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है। कहीं कहीं कब्जाधारी एक अपने जो है दादागिरी और राजनीतिक दल के दबाव के चलते जो है सरकारी भूमि को जो है कब्जा किया गया है और ये जिला प्रशासन को साफ तौर से देखना चाहिए क्योंकि जो सरकारी भूमि को लेकर जो है गंभीर नहीं दिख रहे हैं। और ये जो रसूखदार है बकायदा एक कमिश्नर के पास अपील भी किए हैं। कैमरामैन रिंकू मोहबिया के साथ प्रदीप गुप्ता, कवर्धा। रायपुर में रेलवे बोर्ड